सिंगरौली जिले के देवसर विधायक सुभाष वर्मा के द्वारा तेजी से विकास कार्य किया जा रहा है। विधायक द्वारा बताया गया कि देवसर विधानसभा के समस्याओं का समाधान जल्दी ही किया जाएगा। उन्होंने रोड शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर चिंता जताई है। आपको बता दें, देवसर विधायक सुभाष वर्मा द्वारा कहा गया कि अपने क्षेत्र के विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सिंगरौली जिले में लंबे समय से मांग आती रही है मेडिकल कॉलेज को लेकर। मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है और हमारे यहाँ काफी आबादी होने के नाते गंभीर बीमारी के कारण कहीं न कहीं हमारे लोग, हमारे यहाँ की जनता दम तोड़ देती थी अस्पताल जाते जाते। कहीं न कहीं आज जो मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली, बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को, माननीय हमारे सीधी सिंगरौली सांसद जी को, जो कि हमने इस विषय को विधानसभा में क्वेश्चन के माध्यम, प्रश्नकाल के माध्यम से हमने विषय रखा था और जवाब के माध्यम से कांग्रेस सरकार के लोगों ने, जो उनके मंत्री हैं, उन्होंने जवाब देते नहीं बना उनको। उन्होंने सीधा सीधा विषय को टालते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके यहाँ 200 किलोमीटर दूर है, जो कि रास्ता सही है, सही ठीक हो सकता है, मगर कहीं न कहीं हम तीनों विधायकों के सहमत से आज जो ये उपहार मिला है, बहुत ही धन्यवाद, खुशी उत्पन्न करता हूँ, गर्व करता हूँ अपने आप को। अभी देवसर विधानसभा के लिए क्या कुछ ऐसा आपका करने का जो है प्लानिंग चल रहा है, क्या चीज़ प्रोसेस में है जो कि देवसर विधानसभा का विकास हो सके? जिले में देवसर विधानसभा में हमारे इसके पूर्व में पिताजी हमारे विधायक रहे, मुझे तो 8 महीने से विधानसभा में पहली बार विधायक बन के आया हूँ। और जिले में जहाँ तक की बात है कि तहसील का दर्जा हमने सरई और माड़ा का दिया बाबूजी ने, और उन्हीं के नेतृत्व में 2 ITI कॉलेज और कन्या महाविद्यालय और बॉय महाविद्यालय सरई और बरगवा को मिला। जहाँ तक हम विधायक बनने के बाद हमारी याचिका खुद हमने विधानसभा के माध्यम से लगाया भी कि सर बरगवा तहसील को उप तहसील को पूर्णतः तहसील का दर्जा देने का काम करने जा रहे हैं और जहाँ तक जितना हो सके जनता के हित में लगातार विकास कार्यों के लिए जो जनता की मांग रहती है उनके लिए हम हर दम पर साथ साथ खड़े रहने का काम कर रहे हैं।